नमस्कार, आई एम जयदीप दासगुप्ता फ्रॉम कोलकाता। आई एम एन एक कस्टम ऑफिसर एंड डॉग्स आर नॉट ओनली माई फ्रेंड्स, दे आर माई पैशन, दे आर माई हॉबी। आई हैव बीन कीपिंग डॉग्स राइट फ्रॉम माई चाइल्डहुड एंड डॉग शोज एंड डॉग ब्रीडिंग आई हैव बीन डूइंग फॉर द लास्ट 30 ईयर्स। मैंने काफ़ी ब्रीड्स ब्रीड कर चुका हूँ, वेरी रेयर ब्रीड्स जैसा चिवावा, पोमेरेनियन, अमेरिकन कॉकर, व्हिपेट्स, और भी सारे ब्रीड्स हैं जिसको मैंने ब्रीड कर चुका हूँ। और मैंने एक ब्रीड जैसा बीगल जो अभी बहुत फेमस है इंडिया में, बहुत पॉपुलर है, ये ब्रीड भी पहली बार मैंने कलकत्ता में लाया था करीब 25-27 साल पहले। तब किसी को पता नहीं था बीगल के बारे एंड टुडे बीगल इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ब्रीड्स इंडिया में। और हमारा यहाँ पे एक क्लब भी है, द बीगल क्लब ऑफ कोलकाता, जिसका मैं सेक्रेटरी हूँ, विच इज़ एफिलिएटेड विद द केनल क्लब ऑफ इंडिया। हम लोग हर एक साल एक स्पेशलिटी शो करते हैं बीगल का, विच इज़ अंडर द केनल क्लब ऑफ इंडिया। फॉर द लास्ट 3-4 साल से हम लोग ये शो करते जा रहे हैं। और अभी मैं इसके साथ साथ मैंने कुछ अच्छा डॉग्स भी लाया हूँ टू इंक्रीज द जीन पूल्स, सो दैट जो जो बच्चा मिलता है बंदे जो हम मेरे से जो बच्चा लेते हैं उसको अच्छा क्वालिटी बच्चा मिले। अब अच्छा क्वालिटी बच्चा मिलने के लिए आपको जीन पूल स्ट्रांग होना चाहिए, और जीन पूल तभी स्ट्रांग होते हैं जब बाहर से अच्छा जीन पूल आप ला सकते हो। इसी की वजह से मैंने बाहर से भी कुछ अच्छा जीन पूल लाया, सो दैट जो बच्चा मैं देते हुए आदमी को आफ्टर ब्रीडिंग, इट शुड बी क्वालिटी इसमें, सो दैट जो बंदे लेते खुश रहे और बाद में बोले क्या एक अच्छा डॉग हमें मिला, एक अच्छा ब्रीड हमें मिला। ये एक पोमेरेनियन का बच्चा है, इसका फादर जो आप बाद में देखोगे ये मल्टी बेस्ट इन शो विनिंग डॉग है, एंड दे आर कैरिंग सम ऑफ द बेस्ट अमेरिकन ब्लड लाइन एंड ऑफकोर्स इंग्लिश ब्लड लाइन ऑल्सो। ये बच्चा करीब 35-37 दिन का बच्चा है, और मेरे हिसाब से इट इज़ वन ऑफ अ गुड क्वालिटी पपीज, अ गुड स्पेसिमिन ऑफ द ब्रीड। इट इज़ वन ऑफ द स्मॉलेस्ट ब्रीड, जितने सारे ब्रीड्स है इसमें पोमेरेनियन इज द सेकेंड स्मॉलेस्ट ब्रीड, मतलब सबसे छोटा ब्रीड है चिवावा, उसके बाद ही ये पोमेरेनियन होते हैं, और ये टॉय ब्रीड में आता है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ब्रीड्स बाहर पे, और स्पेशली ये ब्रीड पोमेरेनिया बोल के एक जगह से आया है, इट्स एन स्मॉल प्लेस नियर द बॉर्डर ऑफ जर्मनी जहाँ से ये ब्रीड आया है, और इट वॉज मेड फेमस इन इंग्लैंड, एंड इंग्लैंड में बहुत सारे केनल्स हैं हु हैव प्रोड्यूस ब्यूटिफुल पोमेरेनियंस। ये दो बीगल के बच्चे हैं, बहुत ही छोटे बच्चे हैं। जस्ट मैं आपको एक छोटा सा स्पेसिमेन दिखाने के लिए मैंने ये दोनों को लाया हूँ। ये 14-15 दिन का बच्चा है, जस्ट इसको आँख खुले हुए हैं ये अभी। तो इसका फादर भी पोलैंड से आया हुआ है, बहुत ही नामजादा केनल एलोटोरियस बोल के केनल है, वहाँ से ये आया हुआ है।
इसको भी आप देखिएगा अभी इसको बाद। और इसका मदर भी सेकेंड जनरेशन अमेरिका से आया हुआ है, यूएसए से। दैट इज़ वाई द क्वालिटी ऑफ द पपीज डिफर। तो मैं कोशिश हमेशा कर रखा हूँ कि कोई अच्छा बच्चा प्रोड्यूस करे, एंड इसी की वजह से मैंने बाहर से डॉग लाया हूँ, सो दैट कोई अच्छा क्वालिटी बच्चा मैं आदमी को दे सकता हूँ या जो डॉग लवर्स है उनको दे सकता हूँ। बीगल इज़ अ सेंट हाउंड, जैसा मैंने अभी बता रहा था आप लोग को कि देर आर टू टाइप्स ऑफ हाउंड, अ साइट हाउंड एंड अ सेंट हाउंड। बीगल इज़ अ सेंट हाउंड जो सूंघ के शिकार करता है, एंड देयर नॉर्मली ये लोग पैक में रहता है। इट्स अ ब्रिटिश ब्रीड, ये इंग्लैंड से क्वीन एलिजाबेथ, लिखा हुआ है किताब में कि क्वीन एलिजाबेथ यूज टू मूव अराउंड, वो चलते फिरते थे जब अपने घोड़े पे चढ़ के क्वीन एलिजाबेथ, वो पैक ऑफ बीगल्स लेके चलते थे, 12-14 बीगल अपने साथ चलते थे जो शिकारी डॉग है। और ये जब भी ये करीब दे हैव बीन यूज्ड, अभी ये यूएसए एयरपोर्ट में वगैरह में यूज किया जाता है टू स्निफ आउट नार्कोटिक्स ड्रग्स एंड अदर थिंग्स। इट इज़ अ सेंट हाउंड, इट्स अ वंडरफुल ब्रीड, घर में रखने के लिए बहुत प्यारा ब्रीड है। दैट इज़ वाई अभी इंडिया और दुनिया भर में ये बहुत पॉपुलर ब्रीड हो चुका है। मैं कलकत्ता का बीगल क्लब का सेक्रेटरी हूँ, और हम लोग फॉर द लास्ट 3 ईयर्स हमने यहाँ स्पेशलिटी शो भी करते हैं, इंडिया को हर एक जगह से डॉग्स आते हैं यहाँ शो करने के लिए। ये कलकत्ता में रेयर ब्रीड्स बहुत ही कम है, जैसा आप ये चिवावा बताइए या अमेरिकन कॉकर बोलिए या इवन ओरिजिनल पोमेरेनियन। यहाँ पे जो पोमेरेनियन आदमी को दिया जाता है बेसिकली वो कल्चर्ड पॉम है, इट्स अ मिक्सचर ऑफ स्पिट्स एंड पोमेरेनियन। ओरिजिनल पोमेरेनियन को बच्चा मैंने आपको दिखाया, इसका फादर को आप देखिएगा तो आपको पता लग जाएगा ओरिजिनल पोमेरेनियन क्या होना चाहिए। अब ये सब चीज़ तभी ब्रीड कर पाओगे जब इसका ओरिजिनल स्पेसिमेन आपको पास हो, और ये स्पेसिमेन यहाँ तो मिलेगा नहीं। जैसे पोमेरेनियन इज अ फॉरेन ब्रीड, या कोई भी लैब्राडोर हो या अमेरिकन कॉकर, ये सारे इंपोर्टेड ब्रीड्स है। अब इसी ब्रीड का यहाँ पे पहले कोई भी ऐसा इसका अच्छा स्पेसिमेन नहीं था, जिसका वजह से यहाँ पे अच्छा ब्रीडर भी आपको नहीं मिलेगा। तो मैंने कोशिश किया, मेरे इसमें क्या मैंने यूएस अमेरिकन कॉकर लाया, मैंने मिनिएचर पिंस्टर लाया, चिवावा यूएसए से लाया, मैंने फ्लोरिडा से, सिंगापुर से, सो दैट मैं अच्छा ये स्पेसिमेन ऑफ द रेयर ब्रीड्स जो है इसका मैं ब्रीड कर पाऊँ, आदमी को दे पाऊँ। तो अब यहाँ पे आप देखिएगा अभी पोमेरेनियन का एक ब्रीड देखिएगा, और इसको फादर को देखिएगा जो मल्टी बेस्ट इन शो विनर डॉग है, उसको देख के आपको पता लगेगा। या आप एक लैब भी देखिएगा, आपको पता लगेगा द क्वालिटी ऑफ द लैब्स। क्यों मैंने इस लैब को लाया, इसका फादर 12 कंट्री चैंपियन है, और एक लैब है जो पोलैंड से आया है, स्कूडो कैनल से, वो बहुत ही बड़ा कैनल है वर्ल्ड का। तो ये सारे लैब्स को आप देखिएगा, ये क्वालिटी ऑफ द व्हिपेट्स आप देखिएगा ऊपर जाके, आपको पता लग जाएगा द डिफरेंस बिटवीन एन ऑर्डिनरी क्वालिटी डॉग्स एंड अ शो स्पेसिमेन डॉग। बोथ आर डॉग्स, बोथ आर वेरी गुड, बट देन जो शो क्वालिटी डॉग होता है उसका क्वालिटी बहुत बेहतर होता है, आपको देखने से पता लग जाएगा। मैं ये भी आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए कोई भी अच्छा प्योर ब्रेड डॉग लेना है तो आदमी को ख़रीदना पड़ता है। अब ख़रीदने के लिए कलकत्ता में जो प्राइस मिलता है एक ब्रीडर का, वो प्राइस इससे काफ़ी ज़्यादा प्राइस मिलता है इन प्लेसेस लाइक महाराष्ट्र और पंजाब। यहाँ पे अगर एक लैब्राडोर अच्छा लैब आपको ख़रीदना है पंजाब या दिल्ली में, वहाँ पर आपको कम से कम आपको 50-60 हज़ार रुपया में एक अच्छा बच्चा मिलेगा। लेकिन यहाँ पर भी उसी क्वालिटी का बच्चा अगर लेना है तो वी डोंट गेट दैट प्राइस, यहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा 30-35 हज़ार मिलता है। तो ये होता है बिकॉज महाराष्ट्र, बॉम्बे, पंजाब, दे आर द फाइनेंशियल कैपिटल्स ऑफ इंडिया, वहाँ पैसा कोई भी चीज़ खरीदो उसका कीमत ज़्यादा होता है, मे बी दैट इज़ द रीज़न। पर कलकत्ता में थोड़ा प्राइस कम होता है फॉर द ब्रीड्स जो यहाँ पर ख़रीदा जाता है।
एक विपेट बोल के एक ब्रीड है जो आप देखिएगा, उसको बारे में थोड़ा आपको बताना चाहता हूँ। ये विपेट इज अ ब्रिटिश ब्रीड, इट्स एन इंग्लिश ब्रीड। अब हाउंड, इट इज अ हाउंड। अब डॉग्स को भी कैटेगरी दिया हुआ है, जैसे टॉय, वर्किंग हाउंड। अब विपेट कम्स इन द हाउंड ब्रीड। हाउंड में दो टाइप का हाउंड होता है, एक सेंट हाउंड, एक साइट हाउंड। सेंट हाउंड में जैसा बीगल, बैसेट हाउंड, कून हाउंड, फॉक्स हाउंड, ये सारे है आपको सेंट हाउंड। अब साइट हाउंड में आता है जैसा विपेट, ग्रे हाउंड, सलूकी, ये सारे आपको साइट हाउंड में। क्यों ये साइट हाउंड पे आता है मैं ये बताना चाहता हूँ, क्यों ये सब शिकारी डॉग है। अब ये शिकार करते हैं देख के, इसीलिए इसको साइट हाउंड बोलता है। और इसका स्पीड में आप जब देखिएगा विपेट, अभी आपको पता लग जाएगा इसका बॉडी एनाटॉमी एरोडायनामिक है, सो दैट ये जब मूव करता है ये चीता जैसा दौड़ता है, ये आम डॉग जैसा दौड़ता नहीं है। सो दैट एक डॉग 100 meters कवर करने में अगर 5 मिनट लगाए, ये ज़्यादा से ज़्यादा हाफ अ मिनट लगाएगा। इस स्पीड में चलता है ये विपेट। और ये विपेट आपको देखिएगा ये बहुत स्लेंडर स्लिम होता है, नहीं तो ये चल नहीं पाएगा जैसा चीता है। आप ऊपर जाके अभी आप देखिएगा, ये सारे आपको दिखाया जाएगा, आपको पता लग जाएगा ये विपेट ब्रीड कैसा। मैं सबको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ टू लिसन टू मी। मैं ये भी बोलना चाहता हूँ आप ज़रूर बंगाल आइएगा, बंगाल का क्वालिटी डॉग्स देखिएगा। यहाँ पर भी बहुत अच्छा डॉग्स है, अनेक भालो भालो कुकुर आछे एखाने, काइंडली कोलकाता एसे देखबेन। एखाने अनेक भालो ब्रीडर आछे, अनेक भालो बच्चा पावा जाए। काइंडली कम टू कलकत्ता, जरूर आइएगा, यहाँ पर भी अच्छा बच्चा मिलता है कलकत्ता में।